आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया कि मेगा ऑक्शन से पहले एक टीम केवल चार ही प्लेयर्स को रिटेन कर पाएगी, जहां पर दो विदेशी प्लेयर को और दो इंडियन प्लेयर को टीमें रिटेन कर पाएगी, और टीमें चाहे तो तीन इंडियन प्लेयर को और एक विदेशी प्लेयर को भी रिटेन कर सकती है। और बीसीसीआई को अब सभी टीमों को अपने चार चार रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट सबमिट करनी होगी। आज की तारीख में अब सभी टीमों ने बीसीसीआई को अपने रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट सबमिट कर दी है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी टीम ने कौन से चार प्लेयर्स को रिटेन कि आखिर सभी आठ टीमों ने आखिर कौन कौन से प्लेयर्स को रिटेन किया है। तो आपको इस वीडियो में अब सभी रिटेन प्लेयर्स को लेकर ए टू जेड सभी इंफॉर्मेशन मिलेगी। काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं कि मेगा ऑक्शन से पहले कौन सी टीम ने कौन से प्लेयर्स को रिटेन किया। इसके साथ ही मेगा ऑक्शन से पहले कौन कौन से प्लेयर सभी आठों टीमों में आखिर कंटिन्यू रहेंगे, आखिर रिटेन रहेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सीएसके की टीम की, तो सीएसके की टीम ने कंफर्म कर दिया कि ये टीम चार प्लेयर्स को यहाँ पर रिटेन करेगी, जहां पर एक विदेशी प्लेयर को, तीन इंडियन प्लेयर को अब ये टीम रिटेन करेगी, जहां पर सबसे पहले कप्तान एमएस धोनी को, इसके साथ ही रविंद्र जाडेजा को, इसके साथ ही फेब डुप्लेसिस को और ऋतुराज गायकवाड़ को ये टीम रिटेन करेगी। धोनी को 16 करोड़ में, जाडेजा को 12 करोड़ में और डुप्लेसिस को 8 करोड़ में, गायकवाड़ को 6 करोड़ में ये टीम मोस्ट लाइकली अब रिटेन करेगी। इन प्लेयर्स को रिटेन करने के बाद इस टीम के पर्स बैलेंस में से 42 करोड़ रुपीज कट हो जाएंगे और बचे हुए 48 करोड़ में इस टीम को मेगा ऑक्शन में 21 प्लेयर्स को परचेस करना होगा, यानी 21 प्लेयर को परचेस करके एक नया स्क्वाड बिल्ड करना। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर इन प्लेयर्स को रिटेन करना इस टीम का सही फैसला है या फिर नहीं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर पंजाब की टीम की, तो पंजाब की टीम यहां पर चार प्लेयर्स को रिटेन नहीं करेगी, ये टीम केवल तीन प्लेयर्स को अब रिटेन करेगी, जहां पर सबसे पहले मयंक अग्रवाल को, इसके साथ ही मोहम्मद शमी को, इसके साथ ही रवि बिश्नोई को ये टीम रिटेन करेगी। कुल मिलाकर इन प्लेयर्स को रिटेन करने के बाद इस टीम के पर्स बैलेंस में से यहां पर 33 करोड़ रुपीज कट हो जाएंगे और बचे हुए 57 करोड़ में इस टीम को मेगा ऑक्शन में 22 प्लेयर्स को परचेस करना होगा, जहां पर केएल राहुल को ये टीम यहां पर रिटेन करना चाहती है, लेकिन केएल राहुल ने अब रिटेन होने से मना कर दिया। केएल राहुल मेगा ऑक्शन का भाग बनेंगे, इसी वजह से अब पंजाब की टीम यहां पर तीन इंडियन प्लेयर्स को रिटेन करेगी। अब बात करते हैं एमआई की टीम की, तो एमआई की टीम ने कंफर्म कर दिया कि ये टीम चार प्लेयर्स को अब रिटेन करेगी, जहां पर एक विदेशी प्लेयर को और तीन इंडियन प्लेयर को अब ये टीम रिटेन करेगी, जहां पर सबसे पहले 16 करोड़ में रोहित शर्मा को, 12 करोड़ में यहां पर जसप्रीत बुमराह को, 8 करोड़ में कायरन पोलार्ड को, 6 करोड़ में ये टीम सूर्या कुमार यादव को रिटेन करेगी। तो कुल मिलाकर अब एमआई की टीम यहां पर तीन इंडियन प्लेयर को और एक विदेशी प्लेयर को अब रिटेन करेगी। 42 करोड़ रुपीस कट हो जाने के बाद बचे 48 करोड़ में अब इस टीम को मेगा ऑक्शन में अब लगभग 21 प्लेयर को परचेस करना होगा, तो ये टीम भी अब मेगा ऑक्शन में यहां पर काफी सारे प्लेयर परचेस करेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की, तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी चार प्लेयर्स को अब रिटेन करेगी, लेकिन ये टीम दो इंडियन प्लेयर को और दो विदेशी प्लेयर्स को अब रिटेन करेगी, जहां पर सबसे पहले यहां पर ऋषभ पंत को, इसके साथ ही एंड्री चिनोकिया को और खगिसो रबाड़ा को, इसके साथ ही शिखर धवन, पृथ्वी शो में से अब किसी एक को ये टीम रिटेन करेगी, मोस्ट लाइकली शिखर धवन को अब ये टीम रिटेन करेगी। तो 16 करोड़ में यहां पर डायरेक्टली कप्तान पंत को रिटेन किया जाएगा और 12 और 8 करोड़ में नोकिया, इसके साथ ही खगिसो रबाड़ा को अब ये टीम रिटेन करेगी। ये टीम भी अपने पर्स बैलेंस में से अब 42 करोड़ रुपीस कट कर देगी और बचे 48 करोड़ में इस टीम को मेगा ऑक्शन में डायरेक्टली अब लगभग 21 प्लेयर को परचेस करना होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हैदराबाद की टीम की, तो हैदराबाद की टीम ने बताया कि ये टीम भी दो विदेशी प्लेयर को और शायद दो इंडियन प्लेयर को रिटेन करेगी, और हो सकता है कि ये टीम केवल एक इंडियन प्लेयर को अब रिटेन करे, जहां पर सबसे पहले केन विलियमसन को, इसके साथ ही राशिद खान को ये टीम रिटेन करेगी, इसके साथ ही उमरान मलिक को और टी नटराजन को ये टीम रिटेन कर सकती है। तो कुल मिलाकर इन चार प्लेयर्स को अब ये टीम रिटेन करेगी, 16 करोड़ में विलियमसन को, इसके साथ ही 12 करोड़ में राशिद खान को और यहां पर 8 और 6 करोड़ में शायद उमरान मलिक को और नटराजन को अब ये टीम रिटेन करेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं केकेआर की टीम की, तो केकेआर की टीम ने बताया कि ये टीम भी दो विदेशी प्लेयर को, दो इंडियन प्लेयर को अब रिटेन करेगी, जहां पर सबसे पहले आंदर असल को, इसके साथ ही सुनील नारायण को और शुभमन गिल को और वेंकटेश अय्यर को अब ये टीम रिटेन करेगी। कुल मिलाकर हो सकता है कि वरुण चक्रवर्ती को भी अब ये टीम रिटेन कर ले, या फिर वरुण चक्रवर्ती को भी अब रिटेन के विकल्प के रूप में ये टीम देख ले, लेकिन वर्ल्ड कप के खराब प्रदर्शन के
बाद अब वरुण चक्रवर्ती शायद इस टीम के रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट से बाहर हो जाए और अगले आईपीएल एडिशन में हो सकता है कि आंदर रसल को या फिर शुभमन गिल को इस टीम की कप्तानी मिल जाए। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग केकेआर की टीम को आखिर कौन से प्लेयर को अपनी कप्तानी देनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं राजस्थान की टीम की, तो राजस्थान की टीम ने कन्फर्म किया कि ये टीम केवल 3 प्लेयर्स को अब रिटेन करेगी। हालांकि हो सकता है कि चौथे प्लेयर को अब ये टीम अपनी लिस्ट में ऐड कर ले, जहां पर 2 विदेशी प्लेयर को और 1 इंडियन प्लेयर को ये टीम रिटेन करेगी, जहां पर संजू सैमसन को और जोफर आर्चर को बेन स्टोक्स को ये टीम रिटेन करेगी। हालांकि हो सकता है कि संजू सैमसन भी अगर इस टीम को छोड़ना चाहे तो सैमसन भी इस टीम से रिलीज हो सकते हैं। हालांकि जोस बटलर को ये टीम रिटेन नहीं करेगी क्योंकि एक टीम केवल 2 विदेशी प्लेयर को अब रिटेन कर पाएगी, तो ये टीम जोफ्रा आर्चर को और बेन स्टोक्स को रिटेन करेगी। यहाँ पर जोस बटलर इस टीम में अब शायद कंटिन्यू नहीं रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एट द एंड आरसीबी की टीम की, तो आरसीबी की टीम ने कंफर्म कर दी कि ये टीम 2 विदेशी प्लेयर को और 2 इंडियन प्लेयर को रिटेन करेगी, जहाँ पर सबसे पहले विराट कोहली को, इसके साथ ही एबी डिविलियर्स को, ग्लेन मैक्सवेल को और चौथे नंबर पर चहल और देवदत्त पाटीकल में से किसी एक को ये टीम रिटेन करेगी। तो कुल मिलाकर आरसीबी की टीम 16 करोड़ में विराट कोहली को, 12 करोड़ में एबी डिविलियर्स को, या फिर हो सकता है कि 12 करोड़ मैक्सवेल को दे दे और यहाँ पर 8 करोड़ एबी डिविलियर्स को दे दे और एट दी एंड 6 करोड़ में या तो पाटीकल को या फिर यूजी चहल को अब ये टीम रिटेन करेगी। तो कुल मिलाकर अब सभी 8 टीम इस तरीके से प्लेयर्स को रिटेन करेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर कौन सी टीम को कौन से प्लेयर्स को रिटेन करना चाहिए और आपके अकॉर्डिंग आखिर कौन सी टीम आईपीएल 2022 का एडिशन जीतेगी। आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।